कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जहां आम दर्शकों द्वारा पसंद किया जा रहा है, वहीं समीक्षकों ने भी फिल्म को खासा सराहा है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म को बीजेपी द्वारा खुलकर प्रचारित करने के कारण इस फिल्म को राष्ट्रवाद से जोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही आम दर्शक भी लगातार इसे देख रहे हैं, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वहीं फिल्म को देखने के लिए प्रेरित करने के लिए भी बीजेपी नेताओं ने कई थिएटर्स में शो बुक किए। वहीं एक ऑटो चालक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने थिएटर पहुंची सवारी से किराया नहीं ले रहा है। ऑटो चालक का कहना है कि हर हिंदू को ये फिल्म देखनी चाहिए और जो भी थिएटर में फिल्म देखने आएगा उससे वो किराया नहीं लेगा। आप खुद सुनिए क्या कहा ऑटो चालक ने जब ऑटो में बैठी महिला उसे पैसे देने लगी। पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हम तो देंगे। भैया पैसे ले लीजिए, कश्मीर फाइल देखने आया, फ्री में थोड़ी देखेंगे। हम फ्री छोड़ रहे हैं, हम नहीं देंगे। भैया ऐसे नहीं, आपने मेहनत की है, हमको कश्मीर फाइल देखने आया है तो कुछ कर रही है। और ये चीज होना चाहिए, देखना चाहिए सबको, हर हिंदू को देखना चाहिए। तो इसके लिए आप जनसेवा करेंगे? जनसेवा करेंगे कि आप पैसे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। किसी से सवारी से नहीं लेंगे या हमसे नहीं लेंगे? देखने आएंगे। अच्छा हाँ, ये फिल्म जो देखने जाएंगे उनकी सेवा में हमने लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। जरा मुस्कुरा दीजिए कैमरे को देख के, थैंक यू। जाहिर सी बात है कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में हुई घटना का दर्द इस ऑटो चालक के दिल में है, और यही कारण है कि फिल्म के माध्यम से ही सही वो कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले इसके लिए अब अपनी ओर से कुछ योगदान दे रहा है।